मेरा नाम इशरत है, इशरत खान। मैं ये फिल्म गुटली करने त्र्यंबकेश्वर में आया। पहले हम लोग ने प्लान किया था कि ये फिल्म कहीं और करेंगे, एमपी करने का सोचा, यूपी करने का सोचा। सब्सिडी भी थी वहाँ पर, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट भी होती थी। लेकिन जब मैंने यहाँ आके एक बार रमा खान टॉप प्रोडक्शन के इंचार्ज है, उनका ही खुद का है वो कंपनी, तो उन्होंने मुझे यहाँ के लोकेशन की फोटोग्राफ दी। वो देख के मेरे को लगा कि जो चीज़ मुझे चाहिए फिल्म के अंदर भी वो मुझे यहाँ मिलने वाली। तो मेरा कुछ प्लानिंग नहीं था, मैं आके यहाँ जब देखा तो मेरे को लगा फिल्म मेरी राइट इधर बैठती है, जिसके अंदर दो चीज़ें हमने पकड़ा, एक बड़ी जात पकड़ा, एक छोटी जात पकड़ा। तो वो दो डिफरेंस जो था ना, वो कहीं और मिल नहीं रहा था। क्राउड का जो लोग छोटी जाति का, वो मेरे को शायद कहीं मिलता भी नहीं था। जो यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें नवाकार ने जो कराया, वो बेस्ट मुझे यहाँ। उसके अलावा जो बड़ी जाति के लुक है, जो कपड़े होते थे, जो कलर पैलेट होता था, इन्होंने हर चीज़ में हम लोग का सपोर्ट बढ़ा। जबकि हम लोग की फिल्म के अंदर स्पोर्ट्स है, टीचर्स है, स्कूल का हमारा बहुत इशू था कि स्कूल्स होगा तो कोविड के टाइम पे कैसा होगा, बच्चे कहाँ से आएंगे और कैसे अरेंजमेंट होगा, क्योंकि बच्चों को आना मुश्किल हो रहा था। इन्होंने हर जगह जाके अलग अलग जगहों से थोड़े थोड़े बच्चे इकट्ठा किए। सुबह ये 4 बजे निकल जाते थे और थोड़े थोड़े बच्चे लेकर आते थे। उसके अलावा वहाँ पे डॉक्टर्स का अरेंजमेंट हुआ, नर्स का अरेंजमेंट हुआ, एम्बुलेंस 24 आवर्स खड़ा होती थी, हर बच्चे का इंश्योरेंस किया गया ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वो इनके लिए प्रॉब्लम ना। तो मेरा था कि रमाकांत के साथ मैंने काम भी बहुत किया, हमने रेडी फिल्म की थी सलमान खान की, उसके पहले थैंक यू किया था, उसके पहले नो प्रॉब्लम किया हुआ, तो साथ में हमने काफ़ी काम किया था। तो मेरा कॉन्फिडेंस था यार, मैं बाहर जाके किसी और पे भरोसा कैसे कर सकता हूँ, अपने वाले पे कर सकता हूँ, इज़ लाइक ए ब्रदर टू मी। तो पूरा मैं इसलिए यहीं पर शिफ्ट हूँ। नासिक बहुत अच्छा लगा, लोग बहुत कोऑपरेटिव थे, वहाँ हमने शूट भी किया। हमको ऐसा लगा नहीं कि हम बॉम्बे के बाहर हैं, ऐसा लग रहा था हम बॉम्बे में ही शूट कर रहे थे। जो कोऑपरेशन हम लोग करा, प्रोडक्शन टीम बहुत अच्छी थी, रॉपे की जो सपोर्ट था बेसिकली, क्या हम लोग का, मेरे को एक ही लगा था कि मैं बॉम्बे में शूट कर रहा हूँ। जैसे बॉम्बे में एक टीम होती प्रोडक्शन की जो आपकी फिल्म के साथ जुड़ी होती है, तो मेरे को लग रहा था ये रॉकवे प्रोडक्शन इनका अलग नहीं, हमारा है, ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो हमारे एक पार्ट है। तो मेरे को कभी एक डिफरेंस फील नहीं आया इसका।